यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन का अभ्यास करें। डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूँ कि 16 वर्ष पूर्व इस विभाग में इतने ही कर्मचारी थे। इस दृष्टि से इस विभाग में हिंदी के काम में कोई प्रगति नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके लोकसभा सचिवालय में हिंदी के काम में काफ़ी प्रगति हुई है। इस समय लोकसभा की कार्यवाही दोनों भाषाओं में चल रही है, लेकिन अगर इस काम में हमारा सूचना मंत्रालय अपनी भाषा नीति के कारण पिछड़ा रहा तो यह बड़े दुख की बात होगी। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मुझे याद आता है कि इसे जितना भी महत्व आज तक दिया गया है और जितना महत्व आज दिया जा रहा है वह बहुत कम है। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बोलते हुए व्यापार मंत्री ने बताया था कि निर्यात की आमदनी में कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया था कि 70% निर्यात कृषि की वस्तुओं का हो रहा है और उसी के द्वारा हमें इतनी आमदनी हो रही है। इस दृष्टि से कृषि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि यदि कृषि उत्पादन केवल 5% और बढ़ जाए तो निर्यात से हम 100 करोड़ रुपये के लगभग अपनी आमदनी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इतना महत्व इसका होने के बावजूद भी मुझे बड़ा खेद है और सचमुच यह बड़े दुख की बात है कि आप कृषि के ऊपर जिसमें 100 करोड़ रुपया कमाने की क्षमता है 1 करोड़ रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिसे हम औद्योगिक उत्पादन मानते हैं उस प्रकार का उत्पादन आज भी हमारे देश में नहीं हो रहा है। वास्तव में उत्पादन केवल कृषि से हो सकता है, क्योंकि कृषि वस्तुओं से ही आपके दूसरे औद्योगिक संस्थान चलते हैं। यदि रुई देश में पैदा ना हो तो कपड़ा कैसे बन सकता है? यदि मूंगफली देश में पैदा ना हो तो वनस्पति घी देश में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सारा उत्पादन कृषि वस्तुओं पर ही निर्भर है। इसी तरह से खनिज पदार्थों की स्थिति है। यदि खनिज पदार्थ निकालने पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो उससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, हमारे उद्योगों को काम मिलेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में कमाई जा सकती है। हमारे देश की भूमि में खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। भगवान ने हर प्रकार की वस्तुओं का बहुत बड़ा भंडार हमारे देश की भूमि में दिया है। उसे हम तलाश कर सकते हैं और उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन खेती पर आप जितना ध्यान देंगे उतना ही उसका विकास होता जाएगा। महोदय, आज हमारे
तरीकों से और कार्य संचालन द्वारा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किए जा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी इस्तेमाल गलत तरह से किया जाता है, जिससे बृहत्तर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए। और इस पर आपको अपने विचार विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए। काम की बेहतर व्यवस्था का बड़ा महत्व है। इसके लिए अधिक उपयुक्त वेतन जरूरी होता है। साथ ही काम का स्थान, कमरे आदि भी साफ सुथरे होने चाहिए। लेकिन जो लोग साथ साथ काम करते हैं, श्रमिक प्रबंधक तथा किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग, उनमें अच्छे संबंध होना आवश्यक है तथा यह शायद अन्य सभी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह बैठक, ऐसी विचार गोष्ठियां और सम्मेलन इस प्रकार से काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी। सरकार को काफ़ी कुछ करना है और वह करेगी भी। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा ही आसान नहीं होता। यह कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे, नीति संबंधी निर्णय भी आसानी से लिया जा सकता है, लेकिन किसी निर्णय को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। मैं यह बहाने की खोज के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कठिनाइयाँ हों तो उन पर विजय पानी ही होती है और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाइयाँ हैं और उन पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है। चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कठिनाइयाँ कैसी भी क्यों ना हो, सरकार का यही संकल्प है। सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान करना है। उसे यह काम अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं, बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। मैं जानती हूँ कि आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हमने प्रयास ही नहीं किया है कि उन्हें ऐसा एहसास होता रहे। मैं जानती हूँ कि अक्सर जो मजदूर किसी बांध के निर्माण में लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बांध होता क्या है। महोदय, हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि किसी परियोजना को एक ऐसा संयुक्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता, श्रमिकों, वहाँ रहने वाले अन्य मजदूरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य संबद्ध लोगों को भागीदारी का एहसास हो। हमने समस्याओं को पुराने कोण से ही देखा है और लोगों को अलग अलग खानों में बांट दिया है। इसलिए ये झूठे विभाजन समाप्त होने चाहिए। हमारे समाज में ऐसे अनेक विभाजन हैं, शायद वे सभी समाजों में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वे सामान्य से कुछ ज़्यादा ही हैं। ये धर्म के आधार पर
जातियों के आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं। एक व्यक्ति और एक ग्रुप को दूसरों से अलग करने वाली अनेक तरह की दीवारें हैं और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र कमज़ोर हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एकता को तोड़ने के लिए किया जाता था। आज भी इन्हें उन लोगों को कमज़ोर बनाने के लिए काम में लाया जाता है जो एक होकर खड़े होना चाहते हैं, जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं। हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमज़ोर ना कर सके। हमें ऐसे ग्रुपों का और विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनके अंतर्गत हमारे और भी अधिक ऐसे लोग आते जाएं जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हों, क्योंकि यही देश के हित में है। इसी से देश मजबूत बनेगा, देशवासी मजबूत बनेंगे, जिनके अंतर्गत कोई एक वर्ग ही नहीं है बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं। इसलिए संपूर्ण शिक्षा का अभिप्राय है कि हम केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ना करें बल्कि यह भी देखें कि हमारे प्रयासों का अल्पसंख्यक समूह पर क्या असर पड़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र सुगठित है, उसकी आवाज़ शक्तिशाली है, उसमें एकता है और इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी ज़रूरतें औरों से कहीं ज़्यादा महत्व की हैं, परंतु उनमें एकता नहीं है, उनकी मांग को पेश करने वाला कोई नहीं है और उन्हें शायद पता तक नहीं होता कि उनकी कुछ मांगें भी हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम यह नहीं कह सकते कि क्योंकि वे अमुक मांगों को नहीं रख रहे हैं इसलिए उनकी कोई मांग है ही नहीं। हम जानते हैं कि उन्हें जीवन की मूल सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं, इसलिए सभी समस्याओं को इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।